Remember, my friends, to make an impression, you have to lose a part of you. Why? Because giving you an example of a lead pencil. अगर आप एक lead pencil से कुछ लिखते हो, draw करते हो, कुछ paint करते हो या कुछ भी, lead pencil जैसे ही कुछ draw करती है तो lead pencil का कुछ हिस्सा घिस जाता है, wear हो जाता है. But impression is already there. अगर आप चाहते हो कि आप इस दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करो तो आपको यू हैव टू लूज सम पार्ट ऑफ यूर सेल्फ. व्हाट इज दैट? जैसी कंट्रीब्यूशन वैसा पार्ट आपका कंज्यूम होगा. वो पार्ट जरूरी नहीं फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है. जिस तरह की एक्टिविटी उस तरह का कंट्रीब्यूशन आपका कंज्यूम होगा इस सोसाइटी के अंदर, उस काम के अंदर, उस टास्क के अंदर. तो आपने ये डिसाइड करना है आप क्या पार्ट प्ले करना चाहते हो इस सोसाइटी में, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, क्या वैल्यू क्रिएशन करना चाहते हो, क्या बेनिफिट देना चाहते हो और लोगों को. जब आप ये डिसाइड कर लेंगे फिर आपके लिए चूज करना अपना पैशन प्रोफेशन आसान हो जाता है, या जिस पैशन और प्रोफेशन में भी आप हैं उसके अंदर ग्रो करना, आउट ग्रो करना, आउटशाइन करना आपके लिए आसान हो जाता है. याद रखिएगा, ये कभी मत सोचिएगा कि आप अपना कुछ पार्ट लूज कर रहे हैं इस एक्टिविटी में, बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं. मे बी इंस्टेंट गेन ना हो, मे बी मटेरियल गेन ना हो, मे बी फाइनेंशियल गेन ना हो, मल्टीपल अदर टाइप्स ऑफ गेन्स है जो आपको होंगे, अपने टाइम पे होंगे और मल्टीपल टाइम ज्यादा होंगे. सो आई सजेस्ट यू टू बी पॉजिटिव, प्ले योर पॉजिटिव रोल इन द सोसाइटी. व्हाट आई मीन बाय सोसाइटी हियर, दैट मींस जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं दैट इज योर फर्स्ट सोसाइटी, जिस घर में आप रहते हैं दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड देन द एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी. जितना स्प्रेड आउट कर सकते हैं करें, बट इनिशियली इंस्टेंट फैमिली, इंस्टेंट कोवर्कर्स की जो टीम इन सोसाइटी है वहां से शुरू करें. विश यू ऑल द बेस्ट.